इसको ड्राइंग रूम में जाके बिठाओ। कितनी दूर से कलाकंद लेके आए? इतनी दूर से और कलाकंद लेके आए? पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। बिला दिया गला बिला बिच रह गया वे बिला। हाँ मेरी शहजादा नईम यार, बड़े अरसे बात चक्कर लगाया है भाई। वो काम काज भी कर रहा हो या उसने अपना? बस जी अंकल, किसी काम में दिल ही नहीं लगता। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं एडजस्ट हो जाऊंगा। तो किधर एडजस्ट होने का प्रोग्राम बनाया है? दुबई से कोई इंपोर्ट कोई एक्सपोर्ट का प्रोग्राम है। अच्छा अच्छा, केपिया। छोड़े ना, आप ये अजीब अजीब सवाल करने लगते। बेटा पहले तो आप काफी चक्कर लगाया करते थे, अब बहुत दिनों से शक्ल ही नहीं दिखाई, क्या बात है? बस आंटी जी, अब चक्कर लगाया करूंगा दिल खोल के। ये बहुत देर से पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, ये माफूकुल फितरत इंसान है कौन? ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। हाँ, देखने से भी आदम से नस्बत लगती है इनकी। वैसे ये तुम्हारी आंखों को बहुत घूर घूर के खतरनाक नजरों से देख रहे हैं, कुछ चक्कर है क्या? खुदा का खौफ करें भाई, आहिस्ता बोले, आपा ने सुन लिया ना तो यही ढेर कर देंगे। ओए आलमिया, किस मौजू पे गुफ्तगू हो रही है? जी हम हालात हाजरा पे गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, उबैद अपना सुनो, शहजादा साहब रात को इधर टिकने का प्रोग्राम है। दिल तो यही है, कुछ काम याद आ गया है तो फिर चक्कर लगाऊंगा दिल खोल के। अब चलता हूँ, घर में सबको मेरा सलाम कहना। अच्छा, दिल खोल के। अब चलता हूँ। अच्छा अंकल। आपने भी उसे जबरदस्ती भेज दिया, इतने दिनों बाद वे इतनी दूर से मिलने आया था। वो रात दिखने तो नहीं आया था इधर। अच्छा हुआ चले गए। फैजा ने उसे कल खाने पे भी बुलाया, मुझे पता है आज जरूर जाएगा। मैं चाहूं भी तो उसे नहीं रोक सकती। वो भी क्यों पता नहीं मेरा दिल इतना कमजोर क्यों है। मैं जो सोचती हूँ वो कर नहीं सकती, और जो चाहती हूँ वो फिलहाल हो ही नहीं रहा। समझ में नहीं आता इन हालातों में क्या करूँ। आप तो बड़े बेवफा दोस्त निकले, अकेले अकेले फायदाबाजी के साथ दावत कर आए और मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें पता है वो भाई बड़ा पैनिक में हो गया सब कुछ। मैं तो अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहा था और मुझे याद भी नहीं था। वो इत्तेफाक से मेरी घड़ी पे नजर पड़ी तो मुझे याद आया, तो मैं वहां से सीधा ही भाग गया। लेकिन ये तो ऑब्वियस ही बात है, अगर यहाँ से जाता तो तुम मेरे साथ जाती। खैर ये बताएं दावत कैसी रही? बहुत जबरदस्त भाई। मैं तो समझा था कि वो तुम्हारी आपा की तरह मुझे दाल माछ खिला के टरखा देगी, लेकिन हाँ, लेकिन उसने तो पता नहीं क्या, वो फ्राइड चिकन और रोस्टेड चिकन और कोरमा और बिरयानी, यार इतने मजे मजे के खाने बनाए थे कि मैं बयान नहीं कर सकता। इतना जायका है उसके हाथ में, मुझे पता ही नहीं था। खैर मेरी आपा भी किसी से कम नहीं है, बड़े मजे के खाने बनाती है वो। तुम्हारी आपा और मजे के खाने, किस दौर की बात कर रही हो यार। एक फिरनी बनानी आती है उन्हें, उसमें शक्कर डालना भूल जाती है। सालन ऐसा बनाती है जैसे सालन की शक्ल ही बरसों से ना देखी हो, और मजे के खाने बनाती है। खैर अच्छा, मैं उनसे बोल दूंगी कि आपको अब अच्छे अच्छे खाने बनाकर दिया करें। बस चाहो तो बोल दो, लेकिन मुझे तो लगता है कि मेरे और फैजी के घर के रोज ही चक्कर लगेंगे। फायजा बाजी मेरी आपा से अच्छी कभी नहीं हो सकती। तुम्हारी आपा से अच्छी हैं, वो इसलिए जब मैं उनके पास जाके बैठा था उन्होंने इतनी मजे मजे की बातें की थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों बहुत गहरे दोस्त। और तुम्हारी आपा से मजाक तो मजाक, सीरियस बात भी करने बैठा तो काटने को दौड़ती हैं। अब एक बात बताओ, तुम्हारी और तुम्हारी आपा के घर में लड़ाई नहीं होती? ये तो है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी हैं। ये तुम ये जाती कर रही हो यार। Come on. अच्छा वैसे एक सच सच बात बताऊं? बताइए। तुम्हारी आपा जो है ना वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, बहुत अच्छे दोस्तों की तरह। अब आए ना लाइन पे जी।
परवेज, आज मुझे बैठे बैठे नजमा के मुतालिक एक ख्याल आया। तो ये कौन सी नई बात है? तुम्हें एहसास है कि नजमा अब जवान हो गई है? जवान हो गई फिर तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो। आप उसकी शादी की उम्र हो गई है। मैं कब कह रहा हूँ कि उसकी शादी की उम्र नहीं हो गई, लेकिन पर ये लोके बात ये है कि किस तरह अपनी बेटियों की मोहब्बत अपने दिल से निकाले। तुम्हें तो 24 घंटे उनको रुख्सत करने की पड़ी। खैर, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसके हाथ पीले करूंगी और तुम्हें मेरी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, समझे? मैंने कब जनाब, मैं कब मना कर सकता हूँ आपको? वैसे अयाल भी नजमा के लिए मौजूद रहेगा। अच्छी तरह सोच समझ लेना। सोच लिया है, इसीलिए तो एतमाद से कह रही हूं। नजमा बेटा, नज्जो। ओ अपनी। जी अम्मी बोले। ओहो, अगर हम तुम्हारी शादी कर दे कहीं तो? इतनी जल्दी क्या है, अभी सोच रहे थे ऐसे। देखो, सारी जिंदगी बेटियों को घर में तो बिठा के रखा जा नहीं सकता। अच्छा वैसे ये अयाल कहाँ है? किसी से फोन पे बात कर रहा है। अयाल, अयाल बेटा। जी भूमि जान। जी भूमि, आ बेटा, चाय पियो, हमारे साथ चाय बनवाइए ना। चाय बना के लिए बड़ी चाय बनाती है। एक मिनट। हेलो, हाँ मैं तो कुछ भी जाऊँगा। किसका फोन था? आप दोस्त था मेरा। अच्छा, चलो बेटा चाय बनाओ और कुछ पकौड़े शकौड़े भी बनाओ। और भाई, किससे बात हो रही थी? दोस्त का था। मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ? मैं तो री डायल करके देखूँ। सचो सचो नहीं सचो हेलो फायजा बाजी, आप बिना दिया गला बिला बिच रह गया वे, बिना दिया गला बिला बिच रह गया वे, ना तू सुनिया ना दसिया, अखा छम छम बसिया, निकी जई जिंदड़ी रोग की ला